आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। शेषे हाथरस पीड़िता परिवार को भेटापी गले राहुल और प्रियंका गांधी मात्र पांच जन नेता भेटापी अनुमति देखते योगी सरकार पीड़िता परिवार को भेटापी 35 जन सांसदों सहित एक बड़ टीम गस्त करता हेले डीएमडी प्रशासन अनुमति दे नपरिकी किसी कर्मी को पुलिस लाठीचार्ज कर सेपटे विभिन्न दिगरू कड़ा समालोचना होगापर पीड़िता घर पाखर हटि समस्त ब्यारिकेड अंपटे सुप्रीमकोर्ट तत्वावधान में मामलार तदंत करने जनस्वार्थ मामला दाखल होई गुरुवार ना हेले शनिवार हो हाथरस पीड़िता परिवार को भेटापी अनुमति पर पुणि थे हाथरस मार्च करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं भौणी तथा महासचिव प्रियंका गांधी पीड़िता परिवार को भेटा को भाई भौणीों समेत दलर प्राय 35 सांसद और विधायक जाते यूपी हेले डीएमडी उभय नेता पहुंचा पर एकजुट होते हजार हजार कर्मी योगी सरकार विरोध में देते स्लोगान गहली देखि सुरक्षा बढ़ाई पुलिस एपरिकी उभयों गाड़ी को पुलिस किसी समय अटकईला दीर्घ समय छकापंझा पर प्रशासन राहुल प्रियंका समेत मुकुल वास्निक अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को भेटापी अनुमति देता हेले अन्य कांग्रेस कर्मी हाथरस जीवा को बाहरी बेले पुलिस सेमानों ऊपर लाठीमार कर गुरुवार प्रियंका और राहुल हाथरस अभिमुखे जीवा बेले सेमानों को अटकई पुलिस यह विरोध में कांग्रेस सारा देश में विरोध प्रदर्शन कर महिला के साथ अत्याचार हुआ उस अत्याचार जो किए हैं और जो हुआ है उसके खिलाफ राहुल जी लड़ रहे कांग्रेस पार्टी लड़ रही तो वो लोग कम से कम इसमें स्पॉन्टेनियसली वो रेस्पॉन्स देना चाहिए। देखिए निरंतर प्रयास रहेगा कोई रोक नहीं सकता और राहुल जी ने स्वयं कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको पीड़ित परिवार से मिलने से कोई रोक सके और अब देखिए सब रास्ते साफ हो जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के लिए, ये तो रोज का रूटीन हो गया है यूपी के लिए। इसमें तो जिम्मेदार खाली पुलिस नहीं है, पुलिस तो एक हिस्सा है, ये वहाँ की लीडरशिप का और उस लीडरशिप की मानसिकता और उसकी सोच दिखाती है कि क्या हो रहा है। सेपटे विभिन्न दिगरू कड़ा समालोचना हवा परे पीड़िता घर पाखर हटि समस्त ब्यारिकेड पुलिस गणमाध्यम प्रतिनिधि मानू पीड़िता परिवार को भेटापी दे अनुमति यहापर पीड़िता परिवार कहते सुप्रीमकोर्ट तत्वावधान में एक स्वतंत्र टीम द्वारा मामलार तदंत कर तेरे एसआईटी और सीबीआई तदंत को खारज कर लोके से अभोग कर अभुक्तों एसआईटी सह संपर्क रही यूपी पुलिस डीजी पीड़िता परिवार लोकं भेटिंट दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान प्रतिश्रुति हम लोग ने परिवार से पूरी बात एक एक परिवारजन से की है, उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें कही हैं हमसे, उनका सभी का हम लोग समाधान निकालेंगे। हमारी एसआईटी के हमारे एसआईटी का एसआईटी की गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके अधिकारी आकर एक एक चीज को सुनेंगे, आपकी हर चीज का समाधान निकालेंगे। हम अभी पुलिस लाइन जा रहे हैं, प्रेस वहाँ कर। सेपटे हाथरस गणदुष्कर्म घटना को नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पाई बढ़िवारे लागिछि अड़ुआ मामला एवं सुप्रीमकोर्ट में पहुंची सुप्रीमकोर्ट तत्वावधान में मामलार तदंत करने पीआईएल माध्यम रे प्रार्थना करा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एपटे विधानसभा हाथरस ताती धोईगला पूर्वाह्न अधिवेशन गृह आरंभ उत्तर प्रदेश गणदुष्कर्म और मृत्यु मामलें तंबी तोफान करिछि कांग्रेस राहुल और प्रियंका प्रति होता दुर्व्यवहार प्रतिवाद में गृह हुलस्तुल करने सहित केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार विरोध में नाराबाजी करिछि दल गृह बाहर बीजेडी यूपी सरकार को समालोचना करने सहित दिल्ली दरबार जाए आंदोलन चेतावनी देछि एपटे बीजेपी जवाब आग निजक परखंतु बीजेडी और कांग्रेस विधानसभा हाथरस ताती धोईगला पूर्वाह्न अधिवेशन प्रथमार्धरे अध घंटाए भी चली पारा ना गृह कार्य हाथरस गणदुष्कर्म और मृत्यु मामलें गृह हुलस्तुल राहुल और प्रियंका प्रति होता दुर्व्यवहार प्रतिवाद में गर्जिला कांग्रेस अधिवेशन आरंभ व्हाट्सएप्रे एक भूल खबर को नहीं कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र उद्वेग प्रकाश करने प्रसंग उठाई
संगे संगे दलर अन्य विधायक माने मध्य भाग को चली आसी हो हल्ला करथिले। केन्द्र एवं यूपी सरकार विरोध में नाराबाजी करने सह पोडियम उपरक चढ़ापी उद्यम करथिले। मार्शल को सह मुहांमुही होइथिले। फलर गृह को बारंबार मुलतवी करने को पड़ा। सर्वदलीय बैठक पर भी कांग्रेस नाराबाजी थमी नथिला। हाथरस घटन बीजेडी गृह भितर चुप थिले बाहर मुह खोली। विधायिका स्नेहांगिनी छुरिया उत्तर प्रदेश सरकार को टार्गेट करने सहित दरकार पड़े बीजेडी दिल्ली में आंदोलन कर चेतावनी। योगी और मोदी एम दलित मानी दलित निष्पेषित मानी भाव रेप एंड मर्डर बारंबार कर चली यूपी सरकार राहुल गांधी को जेपरी भाव पुलिस यूपी पुलिस मारी तले पकई कांग्रेस दल के बर्दाश्त करिबनी। जेते दिन पर्यंत ए महिला दलित महिला आज यदि न्याय न पाई ताहले आम राजरास्ता को उठबू समस्त दलित महिला महिला माने ओडिसा आम बाहर राजरास्ता को आसबु प्रतिवाद करिबु एवं जो आंदोलन प्रतिवाद आज यही आरंभ होइछि या दिल्ली पर्यंत निश्चित भाव रे जीव। घटना को नहीं बीजेडी एवं कांग्रेस को कटाक्ष करिछि बीजेपी। राज्य में कांग्रेस समय कौन होता और बीजेडी समय कौन उभय दल तर्जमा करंतु बोली कहिछि बीजेपी। पिपिली कथा आरंभ कर कुंदुली ठार आरंभ कर कोरापुटर इतिश्रीर जो अवस्था कथा समस्त को जना अच्छी तेणु विजु जनता दल वाला कही पार ना कांग्रेस या सदा सर्वदा निर्लज्ज भाव में आपण कांग्रेस कथा अतीतर कथा मन पकईदेव चाहे जो मैंने लोक को खंड खंड कर जड़े साधारण महिला को खंड खंड कर तंदूरी चूल्ली में पोड़ी चली लोकंर नैतिकता कौटी आसला। हाथरस मामला पूर्वाह्न अधिवेशन को धोईदेवा बेले अपराह्न थिला स्वाभाविक। भुवनेश्वर कैमरामैन गौरप्रसाद राजगुरु सहित अजेश मल्लिक रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। अनेक आड़ आस राजनीति करने आड़े कृषि आईन को विरोध करुछंती विरोधी हेले सर्वनिम्न सहायक मूल्य बंद हेबनाही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एणिकि दलाल बा मध्यस्थी रहिबे नाही बोली कहिछंती केन्द्रमंत्री हेले बीजेडी कहिबा हला आईन रे एमएसपी नै उल्लेख थिले संदेह होइनथांता आउ कांग्रेस अभियोग कॉर्पोरेट हाउस पाखरे चासी परोक्षरे बंधा पड़िबे। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिले देशरे बंद हेबनी एमएसपी बीजेडी कहिला एमएसपी नै आईन रे उल्लेख थिले संदेह होइनथांता कांग्रेस अभियोग एबे कॉर्पोरेट निकटरे बंधा पड़िबे चासी एमएसपी बंद हेबार प्रश्न उठुनी फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य रहिबो बोली कहिछंती केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कृषि आईन बळरे चासी देशर जेकोणसी स्थानरे निज सामग्री बिक्री करिपारिबो चासी मान उत्पादित द्रव्यर उपयुक्त दाम पाइबे सेहिपरि नुआ आईन द्वारा दलाल बा मध्यस्थी रहिबे नाही उत्पादित सामग्री वर्धित सहायक मूल्य चासी खाता को जीव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा केवल चासी रो उत्पादित फसल किनी हेबो चासी को पई यह एक जुगांतकारी पदक्षेप बोली कहिछंती धर्मेन्द्र मुक्त बाजार व्यवस्था नीतिगत भावे आरंभ होईछि सेही परी उत्पादन संरक्षण और मार्केट व्यवस्था उपरे गुरुत्व देइछंती केन्द्र सरकार। गोटिए बड़ भ्रांति ये कृषि संस्कार को विरोध करथुवा शक्ति माने मध्यस्थी व्यवस्था को प्रोत्साहित करथुवा शक्ति माने गोटिए कथा जोर जोर से कहउछन्ती जे एमएसपी बंद हो जीवो एबे एबे भारत सरकार सेप्टेम्बर शेष सप्ताह रे रबी ऋतुर एमएसपी घोषणा करछन्ती। मु आपण मानक माध्यम रे ओडिसा रो नागरिक मानक विशेष करिकी चासी भाई भणी मानक गोटिए कथा उल्लेख करबा पई चाहूची जे पर्यंत देशरे नरेंद्र मोदी को भलिया संवेदनशील प्रधानमंत्री अछंती एमएसपी बंद हबार प्रश्न उठु नै मार्केट सिस्टम रे मध्यस्थी रहिबे किंतु मल्टी लेयर मध्यस्थी हेले खाउटी को बोझ होउची चासी को कम मूल्य मिलुची दलाल मानकर संख्या को भूमिका को कम करबा पई एपीओ भलिया फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सुधार करिबा सह देशरे 10,000 नुआ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तयारी करिकी चासी मानक द्वारा ये कंपनी
मार्केट सांगे जोड़ी हवा एग्रीगेटर मान जोड़ी हवा स्पोनसर मान जोड़ी हवा गोटे व्यवस्था अणगला हेले बीजेडी विधायक प्रताप देव कहते एमएसपी नहीं आईन रे उल्लेख थिले संदेह हो न था कृषि आईन द्वारा क्षुद्र मध्यस्थी बदल रे कॉर्पोरेट मध्यस्थी हो आसिबे सेहिपरि कांग्रेस नेता प्रदीप माझी कहवा है चाषी फसल बिकवा नहीं आईन रे ग्यारंटी ना कॉर्पोरेट हाउस पाखरे चाषी परोक्ष रे बंधा पड़े कमिटमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताहले का मन रे आंदोलित कथा हुआ ना एमती कौन से लेखा तादर है ना तेणुक एम एस पी आज दौरान सरकार सत्य कि केतर कंटिन्यू कर एक प्रश्नवाची कहीं तार एम एस पी देवे सरकार को बिल कमिटमेंट ना से प्रश्नवाची अच्छी दुईरे जो कथा कहते मध्यस्थी घुंचीजे से आंशिक सत्य कथा कहते आंशिक सत्य कथा इन द सेन्स कौन कि बर्तमान मध्यस्थी अच्छा कि क्षुद्र मध्यस्थी अच्छा जिते आप कंट्राक्चुअल फार्मिंग पलिजे बड़ मध्यस्थी आसवे कॉर्पोरेट मध्यस्थी आसवे एथिरे तेलेमात्र संदेह नाही जे आगामी दिन रे मंडी प्रथा बंद हबो एवं एमएफसी बंद कर दिया जिवो जो द्वारा कि जो कहा जाउची आमे कृषि 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 बाजार को आमे ओपन कर देलु खोला बाजार कर देलु तो ग्यारंटी रहिबोनी चासी पाखरे जे सेमानंकर कष्ट उपार्जित फसल को कोठी बिकबे वर्तमान के ग्यारंटी दउथिला सरकार ग्यारंटी दउथिला किनिबा पई वर्तमान कोन व्यवसायी माने ग्यारंटी देबे किनिबा पई कदापि न जोरदार विरोध सत्वे कृषि आईन आनी मोदी सरकार आईन को विरोध करी कांग्रेस टीएमसी अकाली दल प्रमुख रास्ता को ओल्लैता बेले बिल को राज्यसभा विरोध करथिला बीजेडी दिल्ली रो लिपिका महंत भुवनेश्वर रो अजेश मल्लिक और मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया अनेक घर को आसवा कोरोना आक्रांतों पर आसला एसओपी कोरोना रोगी केमिति व्यवहार करिबे भावी पिराभीर फाविपिराविर टैबलेट व्यवहार नहीं एसओपी जारी कर स्वास्थ्य विभाग एने रैपिड रेस्पॉन्स टीम बा आरआरटी को दिया दिज्वर प्रशिक्षण होम आइसोलेशन रे थिबा आक्रांत को मिलिबो फाविपिराविर एथिपाय सबु जिलापाल एवं सीडीएमओ को स्वास्थ्य विभाग पक्षरु चिठी पठा जाइछि स्वीकृति प्राप्त डाक्टर परामर्श क्रमे व्यवहार पर लिखित अनुमति मिल कोरोना आक्रांतों आसला एसओपी कोरोना रोगी केमिति व्यवहार करिबे फाविपिराविर फाविपिराविर टैबलेट व्यवहार नहीं एसओपी जारी कर स्वास्थ्य विभाग एने रैपिड रेस्पॉन्स टीम बा आरआरटी को दिया प्रशिक्षण होम आइसोलेशन रे थिबा आक्रांतों मिलिबो फाविपिराविर एथिपाय सबु जिलापाल एवं सीडीएमओ को स्वास्थ्य विभाग पक्षरु चिठी लिखा जाइछि स्वीकृति प्राप्त डाक्टरों परामर्श क्रमे ही व्यवहार पर लिखित अनुमति मिलिबो अन्यमानंक पई उदाहरण साजिले केन्द्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेबे निजे साजिछंति कोरोना योद्धा करिछंति प्लाज्मा दान कोरोना रोगी को सुस्थ करिबारे सहायक हेबा पई प्लाज्मा देछंति धर्मेन्द्र किछि दिन तले निजे कोरोना आक्रांत होई चिकित्सित हेउथिले आउ भलो हेबा परे कोरोना रोगी को पई प्लाज्मा देबा पई नैथिले निष्पत्ति तेणु कटक एसीबी मेडिकल रे थिबा प्लाज्मा बैंक रे प्लाज्मा देबा पई पहुँचिथिले आउ देइथिले प्लाज्मा देशरे कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़िबा सह सुस्थ हार मध्य बढ़ुछि हेले सेही अनुपात रे सुस्थ व्यक्ति माने प्लाज्मा देबा पई आग्रह प्रकाश करूनाहंती कोरोना चिकित्सा रे प्लाज्मा थेरापी एक मुख्य पद्धति होइथिबा बेले सुस्थ व्यक्ति मानंकु प्लाज्मा देबा पई विभिन्न उपाय रे उत्साहित करा जाउछि हेले प्लाज्मा दान करिबाकु सेतेटा आग्रह देखाउनाहंती सुस्थ व्यक्ति तेबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्लाज्मा दान करी अन्य मानंकु प्लाज्मा देबा पई उत्साहित करिछंती एमिति कि प्लाज्मा देई सारिबा परे खुशी जाहिर करिछंती धर्मेन्द्र सेभरी अनुरोध करिछंती कि जेउ माने कोरोना रु आरोग्य हेउछंती सेमाने प्लाज्मा देबा पई आगे आसंतु प्लाज्मा दे अन्यरो जीवन बंचातु से भली कोरोनारु सुस्थ होइथिबा व्यक्ति माने एंटीबॉडी टेस्ट करिबा पई आह्वान देछंती एहासो समाज प्रति थिबा दायित्व बोध को तुलाइबा पई से कहिछंती भलो एंटीबॉडी थिले जाई कि प्लाज्मा डोनेशन करिबा पई एलिजिबल हबो मु एलिजिबिलिटी पूरा करथुबा कारणरु आज मो मन रे थिला जे मो ओडिसा आसीबी महाप्रभु जगन्नाथ पाखे प्रणाम करी ओडिशार प्लाज्मा देवी आज मुझे कटक ब्लड बैंक को प्लाज्मा देवाई मत बहुत मनरे सतोष आसला जो आम ओडिशा कहीं जड़े कोविड पीड़ित भाई भी को मोर प्लाज्मा जदि कम आसपार बहुत सेटा मोप आत्मसंतोषर विषय हम
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇକି ଫେରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଯେଉଁ ପାରାମିଟର୍ସ ଅଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯଦି ଯାହାର ହୋଇଯାଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୋର ସବୁ କୋଭିଡ଼ରୁ ଭଲ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଆସିବା। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ GST କାଉନସିଲ ବୈଠକ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ରଖିବ ପ୍ରସ୍ତାବ? GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସମୟ ସୀମା 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି GST କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେବେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ GST ପରିଷଦ ବୈଠକ। ତେବେ ବୈଠକରେ କ'ଣ ରହିବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବ? ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର GST ବକେୟା ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ GST କମ୍ପନସେସନ ନେଇ ସମୟ ସୀମା 2022ରୁ ଆଗକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭରଣା କରୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୁଳନାରେ ଏଥର ଅଧିକ 18% GST ଆଦାୟ କରିଛି ରାଜ୍ୟ। GST ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ କମିଶନ ବସାଯାଉ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ। ଯେ କାରଣ 22 ମସିହାରେ ଉଭରିବ ନାହିଁ, ସୁଧୁରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କମିଶନ ବସୁ, ରିଫର୍ମର ରିଫର୍ମ, ଏ ସଂସ୍କାରରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇପାୱାର ରିଫର୍ମ କମିଟି ବସୁ, ସଂସ୍କାର କମିଟି ବସୁ। ସେଇ ସଂସ୍କାର କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ରହୁ, ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା। GST ମିଟିଂରେ ରାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ବଢ଼ାଇବ ତାହା ଆଗାମୀ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି GST କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ଯାହା 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଗକୁ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ 5 ତାରିଖ। ତାର ପରେ ବି ୱିଥ୍ ଦି କନ୍କରେନ୍ସ ଅଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ସେଟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କାଉନସିଲ୍ରେ, ଯେଉଁ ସର୍ଟଫଲ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ମେକଅପ୍ କରିବେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ GST ପରିମାଣ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। କେନ୍ଦ୍ରର GST ରାଜସ୍ୱ 48,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା GST ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ 40,128 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ସହରରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲାଣି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିର ସୁଅ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାର ଏ ହେଉଛି ହାଲ। କଟକ ପୁରୀ ରାସ୍ତାର ଅଧିକାଂଶ ଛକରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏମିତି ପାଣିର ସୁଅ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ବମିଖାଲ, ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଏବଂ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିଲେ। BMC ଉପରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ସେମାନେ, ଏମିତିକି ଆମେ ବାଇକ୍ କି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଇକି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ବି ଆମର ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା BMC ଉପରେ BMC ଯଦି ନ କରିବ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ନ କଲେ ପାଣି ସେ କେମିତି ଇଏ ହେବ? ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ BMC ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଇଏ କୌଣସି ସରକାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ସର୍ବାଧିକ 97 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ନୀଳଗିରିରେ 85, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 84.4 ଏବଂ ସୋରରେ 70 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ରବିବାର ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ପୁରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ।
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇ ରବିବାର ରାତିରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। अभी 5-6 तारीख तक बारिश रहेगा इसका बाजू से, क्योंकि इसका स्लो मूवमेंट होगा। अगला 24 घंटा में उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश होगा, और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके होगा। कालाहांडी, कंधमाल, गंजाम, अंगुल, रायगढ़, गजपति, बौद्ध, बलांगीर, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, कटक, जगत सिंहपुर, धनकेनाल, सोनपुर, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल एक तो जगह में करके, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक तो जगह में होने का चांसेस है। लघुचाप स्थिर थिबारु ओडिसा उपकूल रे 45 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। समुद्र अशांत कारणरु 5 तारीख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को न जीवा पाई कुहा जायछि। भुवनेश्वर रु निरुपमा बेहरा एवं सुमंत सुंदराय को रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। अनेक वर्ग आसवा विश्वर दीर्घतम टनेल लोकार्पित होती। हिमाचल प्रदेश रोहतांग में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अटल टनेल को लोकार्पित करते प्रधानमंत्री। यह कार्यक्रम में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत, केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्थलसेना मुख्य एमएम नरवाने प्रमुख उपस्थित थे। देशर पर्यटन क्षेत्र में जोड़ी है आउ एक नुआ अध्याय। दुर्गम अंचल में रोकता लोकं जातायात सुविधा हो। तुषारपात जो 6 मास बंद रोकता जात्रा प्रतबंधक टली जा 10,000 फुट उपरे निर्मित होइछि 9.2 किलोमीटर लंबा टनेल। एहाद्वारा एलएसी पर्यंत जीवा सहज हेबो। सेभरी मनाली एवं लेह को जोड़ी अटल टनेल। मनाली एवं लेह मध्यरे ह्रास पाइब 48 किलोमीटर रास्ता। 10 वर्ष भितरे प्रस्तुत होइछि एही टनेल। सेभरी प्रधानमंत्री मोदी कहिछन्ति टनेल निर्माण पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्वप्न थिला, जहां आज पूर्ण होइछि। भेद पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। परवर्ती खबर को आसवा, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलों हत्या दाबी को खारज कला एम्स। फोरेन्सिक पैनल पक्षर एने दिया जाए रिपोर्ट। मिली सूचना अनुसार विष दिया हत्या कर थ्योरी को यह रिपोर्ट में खंडन कर सुशांत को हत्या नहीं विष दि संदेह सृष्टि होता। तेरे वर्तमान एभली थ्योरी को खंडन कर एम्स फोरेन्सिक पैनल। अंपटे मिली सूचना अनुसार वर्तमान सुशांत को आत्महत्या नहीं उस्काइवा मामलों तदंत जारी रखिब सीबीआई। सोमवार सीबीआई पक्ष मामलें प्रति दिगक नहीं तदंत जारी रही। अभी ऑफिशियल हमारे पास कुछ भी उसकी जानकारी नहीं आई, जैसी ही जानकारी आएंगी आपको हम बताएंगे। नहीं, एम्स के डॉक्टर कहूंगा, लेकिन जब तक हमारे पास ऑफिशियल जानकारी आती नहीं तो उसके बारे में बयान देना ठीक नहीं है। जैसी हमारे पास जानकारी आएंगी तुरंत हम बयान देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इंक्वायरी सीबीआई को दी गई है
कि वो इंक्वायरी का रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने आया है तो लोगों को पता चलेगा कि ये आत्महत्या है कि हत्या है। बुलेटिन रे समस्या रही आज सारा ओडिशा रे खबर अभियान को एट रखा। नमस्कार।